नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज हम तमाम उन बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जिनका सरोकार आपसे है। हम आपको दिखाएंगे कि हरियाणा में क्लीन स्वीप करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कौन कौन से जतन कर रही है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियां कौन कौन से वायदे कर रही हैं, और साथ ही साथ हम बात आम आदमी पार्टी की करेंगे और आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल की मंत्री क्यों मुश्किलात में फंसती नजर आ रही है। हम आपको हिमाचल में जो कांग्रेस के बागी नेता थे, विधायक थे, जो अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं, क्यों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर मानहानि का दावा करने जा रहे हैं। इसके अलावा बात यमुनानगर की उन महिलाओं की करेंगे जो गई तो मिट्टी लाने को थी लेकिन उनको मिली मौत। इन तमाम खबरों को हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे की। देश में लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब हैं और प्रचार प्रसार जोरों पर है, या यूं कहिए चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसकी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है। इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर राजस्थान में हैं और उन्होंने अपने प्रचार की शुरुआत की, या यूं कहिए कि हुंकार भरी, जाटलैंड चूरू से। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर से लेकर तीन तलाक की जो उनकी उपलब्धियां थी वो गिनवाई और साथ ही साथ कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस ने एक एडवाइजरी जारी की थी और अपने लोगों को मुंह बंद रखने के लिए कहा था। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कांग्रेस राज की याद दिलाई और बताया कि 10 साल पहले देश के हालात बिल्कुल खस्ता थे और कांग्रेस बड़े बड़े घोटालों में फंसी हुई थी। लूट की वजह से अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी और करोड़ों गरीबों के सिर पर छत तक नहीं थी। और क्या कहा प्रधानमंत्री ने, देखिए हमारी इस बिग न्यूज बिग शो की पहली बिग रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने भी चुनाव प्रचार में जी जान लगा दिया है और प्रचार का जिम्मा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं। बिहार के बाद पीएम मोदी राजस्थान पहुंचे और जाटलैंड में हुंकार भरी। चूरू में रैली कर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है, दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं और दो साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। रैली के मंच से प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर को लेकर एडवाइजरी जारी की थी और अपने लोगों को ना बोलने को कहा था। कांग्रेस को डर था कि अगर राम का नाम लिया तो राम राम हो जाएगा। पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था लेकिन कांग्रेस पार्टी खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही थी। साथियों, दो देश ने कांग्रेस के पापों की हमेशा कीमत चुकाई है और अभी तो एक मुझे पत्रकार बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े
तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। कांग्रेस पर करारा वार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल पहले कांग्रेस के बड़े बड़े घोटालों ने देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी थी। कांग्रेस के बड़े बड़े घोटालों और लूट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। दुनिया में भारत की साख गिरती जा रही थी। आजादी के इतने दशक बाद भी देश के लोग जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझ रहे थे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने हर मुस्लिम परिवार की रक्षा की है। पहले मुस्लिम परिवार का हर पिता सोचता था कि बेटी की शादी तो कर दी, लेकिन अगर 2-3 बच्चे होने के बाद अगर 3 तलाक करके भेज दिया गया तो वो बेटी को कैसे संभालेंगे। लेकिन इस सरकार ने 3 तलाक पर कानून लाकर इस कुप्रथा को ही खत्म कर दिया। वहीं बीजेपी के कामकाज का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब तक हुआ काम तो सिर्फ ट्रेलर मात्र है, जो मोदी ने किया है वो तो एपेटाइजर है, अभी तो खाने की पूरी थाली आनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब राजस्थान के बाद बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में भी लोकसभा चुनावों को लेकर चुनावी घमासान लगातार सुर्खियों में है। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखी है। इसी संदर्भ में आज हम बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, जो आज हिसार लोकसभा क्षेत्र में रहे। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और चुनावों को लेकर लंबी चर्चा की और कार्यकर्ताओं को चुनाव में हिस्सा लेने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, चुनाव की रणनीति बनाने के लिए गुरु मंत्र दिए। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा लोकसभा क्षेत्र के रतिया विधानसभा क्षेत्र में रैली की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक तंवर के लिए वोट मांगे और कांग्रेस पर कई हमले भी बोले। देश के साथ साथ हरियाणा में भी सियासी बिसात बिछ चुकी है। पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी की हरियाणा की सभी 10 सीटों पर नजर है। एक तरफ बीजेपी ने जहां प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं हर सीट को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर लोकसभा सीट पर पार्टी नेताओं को खास टिप्स दे रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने हिसार में बैठक की और हिसार लोकसभा क्षेत्र को लेकर फीडबैक लेने के साथ साथ नेताओं को जीत का मंत्र भी दिया। इस मौके पर हांसी से विधायक विनोद भ्याना, हिसार के मेयर गौतम सरदाना, जिला अध्यक्ष आशा खेदड़ सहित संगठन के तमाम नेता मौजूद रहे। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा लोकसभा क्षेत्र में हुंकार भरी। नायब सैनी ने सिरसा लोकसभा क्षेत्र के रतिया विधानसभा क्षेत्र में रैली की और बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर के लिए वोट मांगे। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। 55 सालों के अंदर तो न्याय नहीं दे पाए, आजकल कांग्रेस गारंटियां दे रही है कि हमें वोट दो हम गारंटी देते हैं ये करेंगे, हमें वोट दो हम गारंटी देते हैं वो करेंगे। अरे जो 55 साल तक इस देश के ऊपर सत्ता में रहा हो, वोट लेने के लिए उसको गारंटी की आवश्यकता पड़ गई हो, आज कांग्रेस की गारंटी के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा, आज तो नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर विश्वास कर रहा है और देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। 10 वर्षों के अंदर हर वर्ग की चिंता हुई है, हर व्यक्ति को मजबूत किया है, हर व्यक्ति को लगने लगा है कि सरकार मेरी है। कुल मिलाकर एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री बैठकें करके जमीनी स्तर पर नब्ज टटोल रहे हैं, जीत का मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को जीत के गुर सिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री रैलियां करके बीजेपी के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं।
हिसार से संदीप सैनी और सिरसा से सुरेंद्र सावंत की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब बात करते हैं उन चुनावी वायदों की जो कांग्रेस ने आज अपने मैनिफेस्टो के जरिए जनता के समक्ष रखे हैं। सत्ता की इस लड़ाई में कांग्रेस ने अपने चुनावी वायदों को लेकर एक घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात की गई है। मुख्य तौर पर 30 लाख नौकरियां, कर्ज माफी, 25 लाख का मुफ्त कैशलेस बीमा, फसलों पर MSP देने जैसी मुख्य बातें शामिल हैं। अब देखना होगा कि जो कांग्रेस वायदे कर रही है, जनता को इन वायदों पर कितना भरोसा दिलाने में कांग्रेस कामयाब होती है। सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई का रण छिड़ा है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले और दूसरे चरण के तहत नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनावी शोर में वादों और दावों का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस ने अपने वादों का पिटारा खोल दिया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने इसे न्याय पत्र 2024 नाम दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी दफ्तर से इसे जारी किया। इस घोषणा पत्र में युवा, किसान, महिला, बुजुर्ग, कारोबारी और अन्य दूसरे वर्गों पर भी फोकस किया गया है। हिस्सेदारी न्याय के तहत जातिगत जनगणना कराना, आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करना, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक, स्वास्थ्य को लेकर भी कांग्रेस ने बड़ी गारंटी दी है। पार्टी ने लोगों का 25 लाख रुपए का फ्री स्वास्थ्य बीमा करने की बात कही है। युवा न्याय के तहत युवाओं के लिए रोजगार, 30 लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी और प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने की गारंटी दी गई है। नारी न्याय में महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने की कांग्रेस ने गारंटी दी है। किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को कानूनी दर्जा देने का वादा किया है। किसानों की कर्ज माफी के लिए आयोग का गठन होगा। GST मुक्त खेती का वादा भी किया है। श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देना, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करना और शहरी रोजगार गारंटी का वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी का ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसी पर केंद्रित थी। ऐसा है, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, कॉन्ट्रैक्ट लो, पैसे दो, तो उन्होंने काम किया। और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। अरे भाई, 25 लोग हमारे बड़े बड़े नेताओं को आपने लिया और 25 नेताओं में दो को तो एक पूरा एग्जॉनरेट किया और 23 लोगों को फिर उनको भी एग्जॉनरेट किया। अरे शाह साहब के वॉशिंग मशीन में इतने लोग जो भी जा रहे हैं क्लीन होके आ रहे हैं और भ्रष्ट लोग तुम्हारे साथ हैं, बदनाम हमको कर रहे हैं। मेरे पास तो नहीं है ना, मेरे पास जब तक थे तो आपने बोला वो भ्रष्ट है, फिर आप वो क्लीन कैसा हो गए, प्रामाणिक कैसा हो गए, ठीक कैसा हो गए? तो ये खुद ही इधर डराते हैं, उधर सब चोरों को लेते हैं। लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है, तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में। काबिले गौर है कि घोषणा पत्र जारी होने के पहले कांग्रेस ने घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता अगले कुछ हफ्तों तक पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड बांटेंगे, जिन्हें 14 अलग अलग भाषाओं में छापा गया है। हर गारंटी कार्ड में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की ओर से घोषित किए गए 5 न्याय और 25 गारंटी की जानकारी दी गई है। अब चुनावी मौसम में हर पार्टी मतदाताओं को लुभाने के वादे तो तमाम कर रही है, लेकिन जनता
किसके वादों पर एतबार करेगी ये 4 जून को ही साफ हो पाएगा। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस के बाद बिग न्यूज बिग शो में आइए अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के नेता का जेल के अंदर आना, बाहर जाना और फिर भाषण देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, भाजपा पे, सरकार पे आरोप लगाना, ये सिलसिला लगातार जारी है। जेल से छूटने के बाद संजय सिंह ने आरोपों का एक पूरा का पूरा आरोप पत्र प्रेस के सामने रखा। शराब घोटाले में बताया कि इसके लिए आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। वहीं पर दूसरे बड़े नेता आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जो आजकल जेल में हैं, वो वहां से चिट्ठी लिख रहे हैं और उस चिट्ठी में वो अपने नेता अरविंद केजरीवाल की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर उनकी दूसरी बड़ी नेता की बात करें आतिशी की, तो उनकी मुश्किलात कुछ बढ़ती जा रही हैं। आतिशी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और उनके एक बहुत ही करीबी के ज़रिए उन तक ये संदेश पहुंचाया गया है, आप या तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें और अपना राजनीतिक जो भविष्य है उसको बचा लें या फिर आप देख लें। अब इस आरोप को लेकर चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की और चुनाव आयोग ने अब उनको नोटिस जारी किया है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अभी आम आदमी पार्टी एक मुश्किल से निकलती है तो दूसरी उसके दरवाजे पर खड़ी नजर आती है। आज क्या घटनाक्रम रहा आम आदमी पार्टी को लेकर, ये देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश में लोकसभा चुनाव का शोर है और शोर दिल्ली शराब घोटाले का भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में हैं और संजय सिंह की रिहाई हो चुकी है। रिहा होते ही संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ये शराब घोटाला बीजेपी ने किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। बहुत सारे लोग मिलने जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री आवास पे, उप मुख्यमंत्री जाते हैं, सेक्रेटरी जाते हैं और उसमें कौन से कागज का वो जिक्र कर रहा है, कौन सा कागज दिया, तो मेरे ख्याल से ये बातें झूठ और बेवकूफी की एक पराकाष्ठा है जिसको तैयार किया है। घोटाला तो 55 करोड़ का सीधे साफ साफ दिख रहा है। यहां भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला दिख रहा है। कितने छापेमारी की इन नेताओं के घर पर, भाजपा के नेताओं के घर पे? क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जाने बगैर 55 करोड़ रुपए मिल गए? उनको मालूम नहीं है 55 करोड़ रुपए पहुंच गए उनको? उधर तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जेल से अपनी विधानसभा पटपड़गंज के लोगों के नाम चिट्ठी लिखी है। सिसोदिया ने केजरीवाल सरकार की तारीफ की और केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि मैं जल्द ही बाहर मिलूंगा, पिछले एक साल में मुझे सबकी याद आई, हम सब ने बहुत ईमानदारी से काम किया, जिस तरह से आजादी के वक्त सबने लड़ाई लड़ी वैसे ही हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अंग्रेजों को भी अपनी सत्ता का बहुत अधिक घमंड था, अंग्रेजों ने भी झूठे आरोपों में लोगों को जेल में डाला था, अंग्रेजों ने कई वर्षों तक गांधी और नेल्सन मंडेला को जेल में रखा था, अंग्रेजों की तानाशाही के बाद भी आजादी का सपना साकार हुआ। सिसोदिया की ये चिट्ठी ऐसे वक्त आई है जब शराब घोटाले मामले में आरोपी संजय सिंह को अदालत ने जमानत दी है और वो जेल से बाहर आ गए और मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई होनी है। इन सब के बीच केजरीवाल सरकार की एक और मंत्री आतिशी मारलेना की मुसीबत बढ़ती जा रही है। चुनाव आयोग ने आतिशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल हाल ही में आतिशी ने आरोप लगाया था कि उनके करीबी व्यक्ति के जरिए उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया था और बीजेपी ज्वाइन न करने की सूरत में उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी गई थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को दी थी और अब इलेक्शन कमीशन ने आतिशी को मानहानि का नोटिस दिया है। शनिवार शाम 6 बजे तक आतिशी को नोटिस का जवाब देने का समय दिया गया है। कुल मिलाकर दिल्ली में सियासी उठापटक अपने चरम पर है। आप और बीजेपी में वार पलटवार का दौर जारी है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।
मौसम के लिहाज से ठंडे कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में जो सियासी पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब अगर ताज़ा घटनाक्रम की बात करें तो उन 6 विधायकों की हम बात करेंगे जिन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी, उसके बाद उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक हैं जो भी इनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज जो खबर हिमाचल प्रदेश से है वो इससे थोड़ी अलग है। ये जो 6 भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं कांग्रेस के विधायक और 3 निर्दलीय विधायक, इन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर मानहानि का केस करने का जो प्रकरण है वो शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से इन पर आरोप लगाया था कि ये जो विधायक हैं 6 कांग्रेस के विधायक और 3 जो निर्दलीय सरकार के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी से 15-15 करोड़ रुपए मिले हैं। अब ये जो आरोप था, इस आरोप को बहुत ही गंभीरता से इन 6 विधायकों ने लिया है और 3 निर्दलीय विधायक भी इनके साथ हैं और इनमें से एक नेता सुधीर शर्मा ने तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को मानहानि का नोटिस भिजवा दिया है और बाकी मानहानि का नोटिस भिजवाने के प्रोसेस में है। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से शुरू हुई सियासी उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है। सियासी संकट बेशक टल गया हो लेकिन घमासान अभी भी जारी है और अब तो सियासी लड़ाई कानूनी क्लेश में बदलने वाली है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले कांग्रेस के 6 नेता और 3 निर्दलीय विधायकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए ये कहा था कि ये विधायक 15-15 करोड़ में बीजेपी के हाथों बिक गए। अब इन आरोपों पर बागी नेता खफा हो गए हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू पर मानहानि का केस करने जा रही हैं। 6 कांग्रेस के बागी और 3 निर्दलीय विधायक शनिवार को मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का केस दायर करेंगे। इस ऐलान के साथ ही राजेंद्र राणा और इंद्रदत्त लखनपाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, लगता है कि मानसिक संतुलन इनका इम्बैलेंस हो गया है। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि आपके ऊपर सभी जो 6 के विधायक और 3 इंडिपेंडेंट के विधायकों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 15-15 करोड़ रुपए में ये लोग जो है बिक गए, मुझे लगता है कि इनको सरकार को जल्दी चाहिए कि इनको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जरा चेक करवाएं। मन घड़ंत आरोप लगा रहे हैं और पूरी तरह इम्बैलेंस हो चुके हैं और जिस तरीके से ये बात करें कि मेरे पास सबूत है, ये सलाखों के पीछे जाएंगे, मुझे लगता है कि इनको जो है अपना मानसिक संतुलन जो है, वो जो बैलेंस इनका बिगड़ा है, उसको डॉक्टर के पास चेक करवाना चाहिए। इस प्रकार से जनता के सामने इस प्रकार से छवि को खराब करना, ये बहुत ही निंदा का कारण है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज बौखलाहट में कुछ भी अनाप साफ बोले जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े कि हम लोग इनकी बातें सुनते रहे। जमीर बेचने की जहाँ तक बात है, यदि हमने ऐसे कृत्य किया होता तो हम पब्लिक को फेस कैसे करते? हम क्यों जनता के बीच में जाते? हम जनता का दरबार जो है वो सबसे बड़ा दरबार है, उसके बीच में जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और जो अन्यायपूर्ण तरीके से पिछले 1.5 वर्ष से एक तानाशाही स्वरूप में जो इन्होंने राज किया है, उसका पूरा का पूरा दुखड़ा जो हम जनता के बीच में खोल रहे हैं। और ये एक बड़ा, जिस प्रकार की ये बयानबाजी कर रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस के बागी नेता और बीजेपी में शामिल सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर को मानहानि का नोटिस भेज दिया है, जिसमें कहा गया है कि 3 दिन के अंदर बिना शर्त के सीएम माफी मांगे और 5 करोड़ रुपए उनकी छवि को खराब करने के लिए हर्जाना दें। इसके अलावा 55,000 अतिरिक्त लीगल खर्च के रूप में देने की भी मांग की गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू का ये बयान कि सारे के सारे विधायक जो है वो 15-15 करोड़ में बिक गए, बहुत ही हास्यास्पद है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने आज ही उनको नोटिस दिया है, मानहानि का दावा उनके ऊपर किया है। और दूसरा, वो जो कह रहे हैं मेरे पास सबूत हैं, तो सबूतों को उनको जनता के सामने रख देना चाहिए।
सिर्फ मंच से कुछ भी कह देना, वहां विधायक को कह दिया कि भुट्टो को कुट्टो, ऐसे जो है वो बातें व्यक्ति बुखलाहट में करता है। वहीं मुख्यमंत्री ने विधायकों के मानहानि केस के बयान पर पलटवार किया और कहा कि जनता के बीच सच्चाई आनी चाहिए। और चीजें भी पता लगेगी और जो चीज है वो तो लोगों के सामने है और इसमें कौन सी दो राय है। वो तो 15 करोड़ तो विधायकों ने लिया, उनके सरगनों ने ज़्यादा लिए होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि 14 महीने पहले जो जनता के वोट से चुनकर आते हैं और 14 महीने में जो अपना ईमान बेच देते हैं, अपने को बिकाऊ कर देते हैं, उन लोगों वो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, सारे कार्य किए हुए थे उनके, तो कोई ना कोई उसमें धन का तो है। वो तो हम भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारे पास तथ्य भी आ रहे हैं, तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, वो तो सत्या तो सामने लाना ही पड़ेगा ना जनता की अदालत में। दरअसल कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया था कि जनसभा में उमड़े जन सैलाब ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि यहाँ बिकाऊ और खाऊ नहीं चलेंगे, बल्कि जनता हिमाचल के टिकाऊ विकास का रास्ता तैयार करने वालों का साथ दे रही है। धनबल की राजनीति करने और 15-15 करोड़ में अपना ईमान बेचने वालों को कुटलेहड़ की देवतुल्य जनता वोटों से जवाब देगी। अब सुक्खू के इस बयान के बाद बागी नेताओं के सख्त तेवर नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के साथ उपचुनाव होंगे, जो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेस विधायकों की अयोग्यता के कारण पैदा हुई खाली सीटों पर होंगे। पिछले महीने और सदन में कटौती प्रस्ताव के दौरान पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया था। हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति, धर्मशाला, सुजानपुर, बड़सर, गगरेट और कुटलेहड़ में उपचुनाव होंगे और ये मुकाबले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के लिए कड़ी चुनौती है, जो क्रॉस वोटिंग के बाद खतरे में नजर आ रही है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल, हमीरपुर से जसबीर कुमार और धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो के अंत में अब एक दुखद खबर। यमुनानगर में खुशियों का त्यौहार उस वक्त मातम में बदल गया जब 2 महिलाएं मिट्टी लाने के लिए अपने घर से गई। मुस्लिम समुदाय की ये 2 महिलाएं थी, मिट्टी का घर पे लेप लगाने के लिए ये गई थी और वहाँ पर जहाँ पर मिट्टी की खुदाई हो रही थी उसका एक बड़ा हिस्सा इनके ऊपर आकर गिर गया और इस हादसे में इन दोनों महिलाओं की दुखद मौत हो गई। क्यों हुआ ये हादसा, कैसे हुआ, इसकी तफ्तीश हमने की ग्राउंड पे जाके, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यमुना नगर में साढ़ोरा के गांव रतौली में बड़ा हादसा हो गया और देखते ही देखते खुशियों का त्योहार मातम में बदल गया। हादसा मिट्टी की ढांग गिरने से हुआ। मिट्टी में 8 लोग दब गए जिनमें से 2 महिलाओं की मौत हो गई। घायलों में 2 छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल और 13 साल है। 1 की हालत गंभीर है जिसे चंडीगढ़ PGI रेफर भी किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार ये लोग अपने घरों को लीपने के लिए मिट्टी लाने के लिए गए थे। दरअसल ईद के मौके पर अपने घरों को साफ सुथरा कर लीपने के लिए मिट्टी लाने गए थे। मिट्टी की खुदाई के दौरान ही हादसा हो गया। सभी लोग एक साथ मिट्टी की खुदाई कर मिट्टी जमा कर रहे थे, तभी एक बड़ा मिट्टी का ढेर इन सब के ऊपर गिर गया। शोर होने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और लोगों को बचाने का काम शुरू किया। यहाँ पे 8-9 औरतें और 2-3 लड़के जो है बच्चे वो मिट्टी खुदाई कर रहे थे। ऊपर से डांग गिरने के कारण, जिसमें पहले ही तेड़ आ चुकी थी, वो डांग गिरने के कारण उन दबके थे, उनमें से 7 औरतें दबने के कारण उनको जो है फिर निकाला गया। निकालने के बाद कई जख्मी भी हैं और कई ठीक भी हैं। घर जी बेचारी में हम भी यहाँ घास काट रहे थे खेत में जी, और यहाँ गाँव खोदने लगी, ऊपर से डांग में पानी टेढ़ा रही थी, बुग्गी मिले ऊपर से डांग गिर गई थी एकदम। अच्छा, वो एक लड़की थी यहाँ बाहर रहेगी, उसने चिंगाड़ा मारी, हम खेत माँ से भाग गए जी। अच्छा, तो आन का हमने हथ डलेटा है, डलेटा का फिर गोमा लान करा, फोन करा तो गोमा लान करवाया जी, फिर गाँव चढ़ गया, यहाँ गाँव ने फिर सारी करी मिट्टी काट दी। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। रतौली गांव पड़ता है सडोरा थाना, तो यहाँ पे आज इन्फॉर्मेशन आई थी कि अपना मिट्टी का तुरंता गिरने से 8 लोग उसमें दब गए, जिसमें से 2 लेडीज की डेथ हो गई है और बाकी
छः इसके अलावा एजेंट जिनको यहाँ से रेफर कर दिया गया से इनके बताया जा रहा है जो ईद का त्यौहार चल रहा है तो ये अपने घरों की साफ सफाई के लिए लिपाई पुताई के बाद मिट्टी लगाई गई है लेडीज और बच्चे तो वो अचानक नीचे से मिट्टी ज़्यादा निकाल लेंगे जिसके कारण ऊपर से मिट्टी नीचे सर। बता दें कि जिस क्षेत्र से ये घटना सामने आई है उस क्षेत्र में ऊंचे नीचे खेत हैं। खेतों में कई कई फुट ऊंचे टीले हैं जिनमें से ये लोग खुदाई कर रहे थे। फिलहाल इस हादसे के बाद मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि सूर्य समाचार पर हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।